हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं देसी जानकारी ब्लॉग। देसी जानकारी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हम आ चुके हैं आज बैसाना गांव में, आई माताजी गौशाला सेवा समिति बैसाना में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पे जो हमारे साथ में महाराज जी है, जो समाधि लेके विराजमान है। इस समाधि स्थल को आप देख सकते हैं, जो बाबूजी अंदर जमीन में समाधि ले रहे हैं। और जो नवरात्रि का जो 9 दिन है, पूरा समाधि स्थल में ही इनका व्यतीत होने वाला है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं जो हिंदुस्तान की जो हिंदू परंपरा के अनुसार जो महाराज जी ने समाधि जो मौन व्रत रखा है, ये आप देख सकते हैं। जो राजस्थान और पूरे विश्व में गायों का जो लंपी रोग चल रहा है, उसको काटने के लिए जो बाबूजी ने व्रत और मौन रखा है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में वीडियो में जो बाबूजी है, पूरा जमीन के अंदर मौन व्रत रख के तपस्या कर रहे हैं। आपको वीडियो के थ्रू दिखा देते हैं, ये देखिएगा। और इनके पूरे शरीर पे जो पूरा गेहूं उगाए हैं, जिनको राजस्थानी भाषा में जवारा बोलते हैं। और ये गौशाला बैसाना गांव में आया हुआ है। तो आप यहां पे अगर बाबूजी के बैसाना गौशाला में दर्शन करने के लिए भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको वीडियो को बिल्कुल नजदीकी से दिखाएंगे कि बाबूजी ने किस तरीके से समाधि ली है और समाधि स्थल कैसा है, आपको नजदीक से दिखाते हैं। भारत जैसे देश के अंदर यह आपका व्रत है और यही आपकी तपस्या है। सभी निरोग रहें, सभी विश्व का कल्याण हो। सरक सरक।